अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे जी। आज मैं आप लोगों के लिए आईलाइनर ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। जिन लोगों को आईलाइनर लगाना बहुत ही पसंद है लेकिन उनको लगाना नहीं आता, उनके साथ मैं बहुत ही इजी सा ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आप लोगों ने पूरा वॉच करना है, एंड तक देखना है। तो चलें जी, चलते हैं अब हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले जी, आई शेडो जो है वो मैंने लगाई हुई है इस पर, ताकि आप लोगों को लुक समझ आए। हमने जो है टेप लेनी है, इसको आउटर कॉर्नर से लेके ब्रो बोन से थोड़ा सा नीचे तक इसको हमने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन के बाद इसको हमने अच्छे से विद हेल्प ऑफ फिंगर प्रेस कर लेना है। उसके बाद जी, हमने आईलाइनर जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मैक का आईलाइनर। तो हमने अपने इनर कॉर्नर से ले के जस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। विंग आईलाइनर आज मैं आप लोगों को अप्लाई करना सिखा रही हूँ। जस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पर आपका अगर रफ भी हो जाए, क्योंकि हमने टेप लगाई हुई है, टेप लगाने का मकसद यही है कि जितना हमें चाहिए आईलाइनर कॉर्नर उतना ही हमें मिले। आप लोगों ने ऊपर तक भी इसको ले के जा सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। मैंने छोटा सा विंग ही बनाना है, मुझे ज़्यादा बड़ा विंग पसंद नहीं है, तो इसलिए जैसे स्ट्रेट लाइन लगा के आप लोगों ने रफली इसको जो है फिल कर लेना है। तो जी, फिलिंग हमारी हो गई है। फिल करने के बाद अब हमने इसको नीट करना है थोड़ा सा, ताकि हमारी जो लुक है वो नीट आए। ठीक है जी, विंग की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। टेप लगाने का हमारा मकसद ये था कि हमारा जो विंग है बहुत ही नीटली क्रिएट हो। ठीक है जी, अब आईलैशेस के बगैर तो कोई भी लुक जो है वो इनकम्प्लीट है। तो मैंने आईलैशेस इसलिए अप्लाई की हैं कि आप लोगों को लुक अच्छे से समझ आए। टेप हमने कर दी है रिमूव। तो देखिए जी, कितना इजी ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग खुद अपना आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं जिनको पसंद है। तो इसके साथ साथ जी, एज यूजुअल आप लोगों ने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर देनी है कि आपको आईलाइनर कैसा लगा। इसके साथ साथ जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।